आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो कप्तान हार्दिक पांड्या रहे। हार्दिक ने कप्तानी के साथ ही बल्ले और गेंद से अपनी चमक बिखेर दी। फाइनल में तो हार्दिक का फॉर्म अपने चरम पर था। दरअसल फाइनल में हार्दिक ने पहले 3 अहम विकेट लिए और फिर 30 गेंदों में 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को पहला आईपीएल खिताब जिताने में मदद की। हार्दिक की शानदार कप्तानी का अब हर कोई फैन बन गया है। हार्दिक की कप्तानी से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी प्रभावित हैं। वॉन ने आने वाले समय में हार्दिक को कप्तान बनाने की वकालत भी की है। वॉन ने ट्वीट किया कि नई फ्रेंचाइजी द्वारा यह हासिल की गई शानदार उपलब्धि है। यदि भारत को 1-2 साल में कप्तान चुनने की आवश्यकता होती है तो वो हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते नजर आएंगे। हार्दिक ने आईपीएल 2022 में 15 मैचों में करीब 45 की बेहतरीन औसत से 487 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे। हार्दिक गुजरात के लिए सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। वहीं हार्दिक ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 28 की औसत से कुल 8 विकेट चटकाए। हार्दिक को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए भी टीम में जगह मिली है। उधर गुजरात टाइटंस ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न खास अंदाज में मनाया है। टीम के प्लेयर्स ने अहमदाबाद के रोड शो कर अपने फैंस और सपोर्ट का आभार जताया। ये रोड शो उस्मानपुरा रिवर फ्रंट से शुरू होकर विश्व कुंज रिवर फ्रंट पर जाकर ख़त्म हुआ। माइकल वॉन की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स के जरिए सुर्खियों में बने ही रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि रोहित शर्मा की उम्र को देखते हुए बीसीसीआई को अगर आने वाले समय में कप्तान की ज़रूरत पड़ती है तो वो हार्दिक पांड्या की तरफ भी देख सकते हैं। कई दिग्गजों का भी ये मानना है कि अगर उनका टाइम अच्छा चल रहा है तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने में कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए। तो क्या बीसीसीआई ये बड़ा फैसला लेगी, ये एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।